अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है, कैसे हो भाई आप सब। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमें स्पीड और वेलोसिटी के टॉपिक के बारे में बात करनी थी। जल्दी से मेरा बेटा ऑनलाइन हो जाए करें। आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि 3:45 इज़ योर रिपोर्टिंग टाइम, हमारी क्लास का टाइम होता है, जिसमें आप लोगों ने मेरे शहजादों लाइव होना है। जल्दी से लाइव हो जाए मेरा बेटा, सिर्फ 17 लोग अभी मेरे सामने, शायद 16-17 लोग हैं। जल्दी से मेरा बेटा, 3 से 4 मिनट में आप लोगों का वेट भी करता हूँ एज यूजली, तो अभी भी कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पास काइनेमेटिक्स का टॉपिक है। जी वालेकुम सलाम। नहीं नहीं बेटा, आप बिल्कुल लेट नहीं हुए, जल्दी से। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वेलकम हसन बेटा, अगर आप न्यू हैं तो वालेकुम सलाम फात बेटा, जल्दी से अहमद ऑनलाइन हो जाए। जी जी बेटा, हमें नज़र आ रहे हैं आप लोगों का नेम भी। वालेकुम सलाम अस्मा बेटा, मिनाहिल वालेकुम सलाम। जल्दी से शहजादो, जल्दी से ऑनलाइन हो जाए करो। हमें स्पीड और वेलोसिटी में जो आज टॉपिक है, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करनी है। तो मैं इसका ज़रा एक अपने तरीके से, ज़रा टेक्निकल तरीके से हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो मैं बस यही चाह रहा हूँ कि सारे एक ही टाइम पे ऑनलाइन हो जाए, ताकि जिस टॉपिक पे, जिस बात पे मैं आगाज़ करूँ, वो ताकि आप सब क्लियरली सुनो। जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, आपको कमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वालेकुम सलाम आप लोगों का सलाम मेरे तक आ ही जाएगा। आपने जस्ट फोकस करना होगा लेक्चर पे। वालेकुम सलाम अहमद, जो लोग भी बेटा हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, जस्ट लॉग इन करें campus.pk पे, ताकि आप हमारे साथ क्लास में आके लाइव हो सकें, और इस तरह जिस तरह दूसरे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भी क्वेश्चनिंग कर सकें। तो मेरा बेटा जल्दी से लाइव हो जाए। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी असद, आपका फर्स्ट है, चले मेरे भाई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं, जो कि है ग्राफ। हम दो चीजों के दरमियान ग्राफ बना रहे हैं यहां पे, एक एक्स है और दूसरा आपके पास वाई एक्सिस होता है, और जहां भी दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हालांकि ग्राफ का जो टॉपिक है वो बाद में आता है, लेकिन सिर्फ आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ग्राफ पहले बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए। वेलकम वेलकम और वालेकुम सलाम टू एवरीवन मेरा बेटा। जी वालेकुम सलाम टू एवरीवन। और चले मेरा बेटा, तो ध्यान कीजिएगा, अगर मुझे स्पीड की बात करनी है तो वी नो वेरी वेल स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। मतलब अगर मुझे स्पीड का ग्राफ बनाना होगा, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाना होगा, तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ आएगा। अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा स्पीड के लिए, तो वो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ आएगा। अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा तो वो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ आएगा। अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा वो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ आएगा। मैं अगेन आपकी बात रिपीट करता हूं, अगर मुझे ग्राफ डेफिनेशन मेरा बेटा मैं भी बता देता हूं, कि अगर हमें तस्वीर की सूरत में जब अपनी इंफॉर्मेशन को बताना होता है तो हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में एक एक्सिस है। सर माइक की वॉइस कम होगी? नहीं मेरा बेटा, बिल्कुल ठीक है माइक की वॉइस। तो अब अपने मोबाइल या लैपटॉप की आवाज़, बाकी लोगों को भी बताओ मेरा बेटा, आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? सर नो वॉइस। वेट, जी मेरा बेटा आवाज बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों को क्यों इशू आ रहा है, जरा दोबारा बताएं मुझे। ऑल क्लियर है, चले मेरा बेटा क्लियर है। तो अच्छा मेरा भाई, हमें अगर ग्राफ बनाना हो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अगर आप पहले 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हो, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, फिर अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो यहां पे ये मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस की, और यहां मैं बात कर रहा हूं टाइम की।
पहले 5 सेकंड में मैंने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 सेकंड में अगेन मैं 10 मीटर आगे चला गया, फिर 5 सेकंड का टाइम गुजरा तो मैं फिर 10 मीटर आगे चला गया, फिर 5 सेकंड का टाइम गुजरा मैं फिर 10 मीटर आगे चला गया। इट मीन्स यहां पे एक वर्ड में लिख सकता हूं, इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने कहा था तो ग्राफ में आप लोग जरा कंफ्यूज ना हो जाओ, वो बाद में कर लेता हूं। इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल कहते हैं टाइम के दरमियान का वक्फा, हर 5-5 सेकंड के बाद 10-10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। सो इक्वल चेंज आ रहा है डिस्टेंस में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। कि आपके पास एक जैसी स्पीड है, जैसे कि आप ये कहते हो 120 पे मैं गाड़ी चला रहा था जब 2 बज गए थे, 3 बजे भी मैं गाड़ी 120 पे चला रहा था, तो एक घंटे में आपने 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। 3 से 4 के दरमियान अगर आप अपनी स्पीड चेंज नहीं करते तब भी डिस्टेंस सेम कवर करोगे। अगर सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो रहा हो, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो रहा हो, मेरा बेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर अप हो रहा हो तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो उसको हम बेटा नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का, उसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। जैसे कि अगर पेज नंबर 36 पे देखो, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं आप लोगों के कॉमेंट्स भी देख लूं मेरा बेटा। If the object covers equal distance, अगर object, देखो पहले 5 सेकंड में मैं 10 मीटर पे था, जब टाइम 5 सेकंड से 10 सेकंड हुआ मतलब अगले 5 सेकंड गुजरे तो मैं 20 पे पहुंच गया, अगले 5 सेकंड में 15 सेकंड हुए तो मैं 30 पे पहुंच गया, अगले 5 सेकंड गुजरे 20 सेकंड हुए तो मैं 40 पे पहुंच गया। तो डिस्टेंस में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, टाइम में 5-5 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि इक्वल टाइम में मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। इस चीज को नाम दिया जाता है बेटा स्पीड का, इस चीज को नाम दिया जाता है स्पीड का। इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल चेंज इन कमेंट्स मेरे सामने जरा कीजिएगा। इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों का माइक। जी यहां तक क्लियर है सर, चलिए मेरा बेटा बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, आगे लास्ट लिखा हुआ है हाउ एवर द शॉर्ट इंटरवल मे बी। ये टाइम का वक्फा चाहे जितना छोटा क्यों ना हो इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। अगर इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आ रहा है तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट का वर्ड ऐड करना है तो वो मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगा। महीन बेटा क्या आपने मुझसे पूछना है? मैम आप सर को बता दें। अब मैं ये बात करता हूं, अब मेरे पास अगर डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा डी ओवर टी। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाए और इधर टाइम आ जाए, मैं ये बात करता हूं कि पहले 10 सेकंड में मैं 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 10 सेकंड में मैं 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 10 सेकंड में मैंने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 10 सेकंड में मैंने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो हर एक दफा मैं 20-20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूं 10-10 सेकंड में। तो ये बात लिखी जा सकती है, कही जा सकती है, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट में चेंज,
टाइम के लिहाज से हर स्टेप में एक जैसा आ रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। इसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये था हमारे पास स्पीड के बाद यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके मेरा बेटा, तो दोबारा मैं इस चीज को बताने लगा हूं, क्लियर करने लगा हूं। देखो टाइम के लिहाज से आपने कितना डिस्टेंस कर, मैं बात करने लगा हूं एक स्पीड। अगर आप सेम स्पीड के साथ मूव करते हो, सेम स्पीड का मतलब बाइक चला रहे हो 70 किलोमीटर पर आर पे, तो हर एक घंटे में आप 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करोगे। हर एक घंटे में आप 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करोगे। आपकी गाड़ी की स्पीड फर्स्ट करो है 70 किलोमीटर पर आर, तो इसको ही हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसको ही हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। एक जैसी स्पीड को ही हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। यहां से मैं बताने लगा हूं, मैंने क्या कहा कि अगर डिस्टेंस में चेंज एक जैसा आ रहा हो, एक टाइम मतलब एक घंटे में अगर 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो अगले में भी 70, उससे अगले में भी 70। सो इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो टाइम के लिहाज से हर एक घंटे के बाद एक जैसा आ रहा है, उसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। और अगर इसी डिस्टेंस की जगह पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो इसी वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में, तो हम कह सकते हैं इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यही दो बातें थी भाई, एक स्पीड के साथ जा रहे हो तो मतलब क्या होता है मेरा बेटा, जब आप सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं तो आपकी स्पीड में तब्दीली नहीं आती। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस एक घंटे में कवर किया, तो अगले 20 किलोमीटर का डिस्टेंस भी एक घंटे में कवर करोगे, उससे अगले किलोमीटर का डिस्टेंस भी एक घंटे में कवर करोगे, जब तक आप उसकी स्पीड चेंज नहीं करते। जब तक स्पीड चेंज नहीं होती, ना चेंज होने वाली स्पीड को, ए सेम स्पीड को, एक जैसी स्पीड को बेटा हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। और मैंने स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस ये बताया कि अगर डिस्टेंस में चेंज आ रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होगा यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो अब मेरे शहजादों जरा मुझे क्लियर कर दो कि काइंडली कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है, अगर नहीं हुई तो मेरा बेटा मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। बेटा मुझे कोई इशू नहीं, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो मेरी जान आप लोग लिख दिया करो, तो नो इशू, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा जितना सादा तरीके से हो सके उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे, नो इशू। बेटा मैंने अभी गाड़ी की एग्जांपल दी है, आप बाइक पे बैठे हैं, गाड़ी पे बैठे हैं, हवाई जहाज पे बैठे हैं, जिस पे मर्जी बैठे हैं, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड सेम है 120 पे, आप आगे पीछे नहीं कर रहे तो आप यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहे हो। और लेक्चर के एंड में अपना फीडबैक भी सबमिट करवाया करें, और जो लोगों ने फॉलोअप नहीं किया मेरा बेटा वो जरूर फॉलोअप भी करें। और मेरे भाई मेरे बहनों भाइयों, अल्लाह के नेक बंदो बंदियों, कोई क्वेश्चन है तो जरा पूछें। और जो लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, बेटा आपको कुछ नहीं होगा, जस्ट लॉग इन करें campus.bk पे, तो आप भी हमारी क्लास में आ जाएंगे और इन शहजादे शहजादियों की तरह आप भी क्वेश्चन कर सकेंगे। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने अपनी दुआओं में याद रखना, और रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है और बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखना है यार, ये रिक्वेस्ट है। कल भी मेरे ख्याल में हमारी सुपर संडे में ऐसी डिस्कशन ही हुई थी, आवाज़ी और सुपर संडे कैसा गुजरा था, और सुपर संडे जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें सरफरान के साथ एक्टिविटीज़ होंगी, उससे नेक्स्ट मतलब आफ्टर दी नेक्स्ट संडे जो संडे आएगा उसमें हम लोगों ने क्या करना है, उसमें हम लोगों ने बनाने हैं प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स मीन कि आपने वर्किंग मॉडल बनाने होंगे फिजिक्स के, और उन मॉडल को बनाकर आप लोग मेरे से कांटेक्ट करोगे, मैसेज करोगे, उसकी वीडियो मेरे तक सेंड करोगे, फिर उस वीडियो को हम अपनी टाइमलाइन पे कैंपस की टाइमलाइन पे लगाएंगे, और एंड पे कंपटीशन में उन सारी वीडियोस को रखा जाएगा, और जिसकी वीडियो सबसे बेस्ट होगी, जिसका प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट होगा, उसको सबसे बेस्ट इनाम भी दिया जाएगा, शील्ड दिया जाएगा, और उसकी बाकायदा एक तस्वीर भी लगेगी कैंपस के ऊपर।
जी शहजादा, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर यूनिफॉर्म स्पीड दोबारा समझा दें भाई, अगर आपके पास बाइक साइकिल कुछ भी बाइक है ना भाई, तो बाइक के ऊपर मेरा बेटा आप बैठे हुए हो और आप 40 पे जा रहे हो। 40 का मतलब क्या होता है? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस वो गाड़ी एक घंटे में कवर करेगी या बाइक कवर करेगी। तो मेरे भाई मेरी जान, तो अगर 40 से आप ऊपर या नीचे नहीं होते, आपकी वेलोसिटी स्पीड बिल्कुल सेम है, सेम स्पीड इको स्पीड ना तुम जा रहे हो, तो पाइन ओ स्पीड थोड़े को यूनिफॉर्म स्पीड होगी। रमजान सर किस फिजिक्स का मॉडल बनाना है? बेटा आप मॉडर्न फिजिक्स से, क्लासिकल फिजिक्स से, अगर आप कोई हाइड्रोलिक प्रेस बनाते हो, इलेक्ट्रिसिटी से रेलिवेंट कोई टॉपिक बनाता हो, तो आपने वो बना के मुझे सेंड करना है और वो मॉडल मैं आपको देखूंगा। और आपने वो घर में बनाना है और खुद बनाना है और अच्छा करना है, सबसे बेस्ट हो। आप देखो उसमें एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि आपने कोशिश करनी है, अगर कोई बैटरी का यूज करते हो, एनर्जी का यूज करते हो, तो कम से कम बैटरी यूज करो और ज्यादा से ज्यादा हमें एफिशिएंसी आउटपुट आ रही हो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो रही हो एनर्जी की और आउटपुट हमारे पास ज्यादा आए। तो ये सारे आप लोगों ने हमारे साथ क्लियर करने हैं। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हुए दीवार के साथ टक्कर मार दें, तो स्ट्रेट लाइन में जो आपका डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और वो डिस्टेंस आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन यू एंड योर वॉल, ठीक है मेरा बेटा। और अगर आप जिगजैग पाथ में इधर उधर मूव करते हुए जाके टक्कर मारेंगे, तो वो डिस्टेंस आपका डिस्टेंस ही कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा जी। इलेक्ट्रिक कॉइल भी कर सकते हैं, एनीथिंग रेलिवेंट टू द फिजिक्स, एनी प्रोजेक्ट मेरा बेटा। बट इसके लिए आपको मैं आज से बता रहा हूं, आपके पास पूरे 2 हफ्ते का टाइम है, कमिंग संडे से जो नेक्स्ट संडे आ रहा है उसमें ये होगा। When a horse pulls a cord, the action is on the earth। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है। सर यूनिफॉर्म स्पीड, लाइबा बेटा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक जैसी स्पीड। अगर आप अब्बा जी के साथ गाड़ी में बैठे हुए पिज्जा खाने जा रहे हो और अब्बा जी गाड़ी को 100 पे ही चला रहे हैं, आगे या पीछे नहीं कर रहे, तो आपके अब्बा जी एक जैसा डिस्टेंस एक टाइम में कवर कर रहे हैं, स्पीड को कम या ज्यादा नहीं कर रहे, तो स्पीड को नाम देंगे यूनिफॉर्म स्पीड का। जी 98 11 क्लास का कन्वर्सेशन स्टार्ट कब होगा बेटा? 10 मई से। यस वर्किंग प्रोजेक्ट, वर्किंग स्टैटिक मॉडल सेंड नहीं करने, अगर किसी का कुछ नहीं होता होगा तो वो स्टैटिक मॉडल सेंड कर दे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज द वर्किंग मॉडल आर द डायनेमिक मॉडल इन्हें कहते हैं मेरा बेटा। मैंने बता दिया द एक्शन इज ऑन द अर्थ, द एक्शन इज ऑन द अर्थ। हौसला बेटा हौसला रखा करें, जितना बताया जाए उतना ही डाइजेस्ट किया करें, ताकि अगर ओवर ईटिंग होगी तो डाइजेशन में मेरा बेटा आपको इश्यू भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का पेट खराब हो जाए, सो मेरी कोशिश यही होती है कि उतना ही करवाया जाए जितना आप लोगों को डाइजेस्ट इजीली हो जाए। जी मेरा बेटा, अगर प्रोजेक्ट से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछें, और कोशिश करें जितनी जल्दी इसको कंप्लीट करें। आप इस वीक में भी मुझे सबमिट करवा सकते हो, एमएस स्पेशली आपको बहुत अच्छा करना होगा। सर इस पेपर में बनानी है कंप्यूटर पे? नहीं नहीं मेरा बेटा, क्या यार, मैंने तो आप लोगों को प्रोजेक्ट दी है और प्रोजेक्ट कंप्यूटर पे बनाएंगे, क्या हो गया? घर में प्रोजेक्ट बनाओगे और उसकी वीडियो बना के सेंड करोगे? वर्किंग वेलोसिटी के स्पेलिंग तो फाइम ठीक लिखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है अगर स्ट्रेट लाइन में आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें, इक्वल इंटरवल, सीधी लाइन में गाड़ी जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, उस वक्त अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही तो उसी स्पीड को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। मेरे ख्याल में बेटा 1500 एग्जांपल दे चुका हूं भाई जान, मैं क्लियर नहीं है डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डेफिनेशन की। यार ये देखो फैसल साहब, ये 2 पॉइंट्स हैं, आपने ए से बी तक जाना है। आपके अब्बा जी आओ या अम्मा जी भेजती है कि बेटा दही लेके आओ, तो आप इधर से उधर से कई लोगों से पैसे उधार लेते हुए, इधर उधर बातें करते हुए बी तक पहुंचते हो, तो ये पूरे पाथ की जो लेंथ होगी इसको डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दही लेने के लिए चले जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और अब मेरा बेटा इंशाल्लाह आपको ये नहीं भूलेगा,
बनाना भी है और बनाकर फिर उस वर्किंग मॉडल की आपने हमें वीडियो सेंड करनी है कि सर मैंने ये बनाया हुआ है, और अपनी तस्वीर उस मॉडल के साथ सेंड करनी होगी कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, उसको आप एक्सप्लेन करोगे मेरे सामने, मेरा प्रोजेक्ट फर्ज करो बड़ा हुआ है कोई सोलर सिस्टम के ऊपर, तो मैं उस सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट अपने टेबल पे अपने सामने रख के कैमरा ऑन करूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने ये मॉडल बनाया है, इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान हैं, इसमें मैंने ये किया और ऐसे ऐसे बनाए, ये पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अब मिनिमम 2 से 3 मिनट की जो वीडियो है वो हमें सेंड करोगे। वर्किंग प्रोजेक्ट बेटा फिजिक्स से रेलिवेंट जो एक्टिविटी में इंक्लूड होगा हमारे पास। बेटा रिटार्डेशन और डिसलरेशन तब बताऊंगा ना मेरी जान जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, अभी तो हमने एक्सेलरेशन का नाम भी नहीं लिया। चले मेरा बेटा, अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे एंड होती है, यहीं पे खत्म होती है, तो अपनी दुआओं में याद रखना और जो मर्जी बनाओ बेटा, सोलर सिस्टम पे बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी पे बनाओ और हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह बनाओ, कुछ भी प्रेशर पे बनाओ, इट्स अप टू यू टोटली। अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा बेटा आपको मेरे पास मैसेंजर्स में भी ऑप्शन गिवन है और मैंने हर संडे आप लोगों से नंबर भी शेयर किया हुआ है, आप वहीं से भी मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहें, आबाद रहें, जीते रहें, जुग जुग जिए और इनको आप कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।